अस्सलामुअलैकुम फैज टीवी के साथ मैं हूं हमशा हमीद। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सिंध को एनएफसी से 1600 अरब रुपए मिले, इतना पैसा मिल रहा है जा कहां रहा है। वफाकी वजीर इत्तला'आत फवाद चौधरी का सवाल, कहा बदीन और लाड़गाना के नाम पर पैसे रखे जाते हैं लेकिन इन शहरों का हाल सबके सामने है। वजीर आला सिंध को डमी करार दे दिया, कहा असल हुकूमत बिलावल हाउस में बैठे लोग चला रहे हैं। कराची का तो ये हाल है कि अपनी पुलिस तक नहीं, मनपसंद ठेकेदारों को ठेके देकर कब तक सूबा चलाएंगे। गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। सलीम मांडवीवाला की बजट पर तनकीद, कहा गुज़िश्ता साल में टैक्स महसूलात की तबाही के सिवा कुछ नहीं हुआ, सब्सिडीज को भी मुंजमित कर दिया गया। सलीम मांडवीवाला ने दावा किया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो एक्सपोर्ट 50 अरब डॉलर तक पहुंचा देंगे। कलभूषण का केस बिगाड़ने वाली मुस्लिम लीग नून है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, हमने इकदामात आलमी अदालत इंसाफ की सिफारिशात पर उठाए, भारत चाहता है कलभूषण को कौंसलर रसाई ना दी जाए। वजीर खारजा ने एक बार फिर वाज़े कर दिया, अमरीका को कोई हवाई अड्डा देने का इरादा नहीं। मुल्क में कोरोना से मजीद 56 अफराद इंतकाल कर गए, मजमूई अमवात 21,689 हो गई। 24 घंटों में 1239 नए केसेस रिपोर्ट हुए, मुस्बत केसेस की शरह 3.4% रही। पंजाब में गुज़िश्ता रात से गरज चमक के साथ बारिश, लाहौर, नारवाल, गुजरात, हाफिजाबाद समेत कई शहरों में बादल जम के बरसे। इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश, कई मकामात पर साइन बोर्ड और दरख्त उखड़ गए। महकमे मौसमियात के मुताबिक मानसून बारिश का आगाज जून के आखिर में शुरू होगा। मीरपुर माथेलों के मुख्तलिफ इलाकों के लोग पैसे डबल होने के चक्कर में लुट गए। इंटरनेट पर गुड लाइफ इन्वेस्टमेंट नामी वेबसाइट पर डबल पैसे करवाने के चक्कर में सैकड़ों लॉक बर्बाद हो गए, लोगों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड हो गया। ओकाड़ा में तालबात को छेड़ने से मना करना मासूर प्रिंसिपल का जुर्म बन गया। नौजवानों ने अकेडमी में घुसकर तलबा और स्टाफ को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजमान अकेडमी से फीसों की रकम उठाकर संगीन नतायज की धमकियां देते फरार हो गए। प्रिंसिपल ने पुलिस को मुकदमे की दरख्वास्त जमा करवा दी। दुनिया भर से हज के ख्वाहिशमंद अफराद मुसलसल दूसरे साल भी हज से महरूम रहेंगे। सिर्फ सऊदीया से रहने वाले ही इस साल हज अदा कर सकेंगे। सऊदी वजारत हज ने ऐलान कर दिया, तमाम आजमीन के लिए कोरोना वैक्सीनेशन लाजमी करार। 18 साल से कम और 65 बरस से जायद उम्र वाले अफराद को हज की इजाजत नहीं होगी। मुल्क भर से गर्मी के सताए लोग छुट्टी एंजॉय करने मरी पहुंच गए। हफ्ते को 42,000 गाड़ियां मरी में दाखिल हुईं। मुख्तलिफ शाहराओं पर ट्रैफिक जैम हो गया। दूसरी जानब लोअर देर में भी शहरियों ने तफरीही पार्क और सियाहती मकामात का रुख कर लिया। और PSL 6 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को पेशावर जलमी ने 61 रन से हरा दिया। 158 रन के ताकुब में क्वेटा ग्लैडिएटर्स की टीम 134 रन पर ढेर हो गई। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर टकराएंगे। फैज टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल फैज टीवी नेटवर्क, और क्लिक करें बेल आइकन पर। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट।